नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज ऑफ गॉड में आपका स्वागत है। महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है जो कि स्मृति के इतिहास वर्ग में आता है। कभी कभी इसे केवल भारत कहा जाता है। ये काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में देश, धर्म, न्याय, राजनीति, समाज, योग, युद्ध, परिवार, ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्मिक और समस्त विषयों का वर्णन मिलता है। विश्व का सबसे लंबा ये साहित्य ग्रंथ है। इस ग्रंथ को हिंदू धर्म में पंचम भेद माना जाता है। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य कुरु साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया। महाभारत के अनुसार इस युद्ध में भारत के प्राय सभी जनपदों ने भाग लिया था। महाभारत वे अन्य वैदिक साहित्यों के अनुसार ये प्राचीन भारत में वैदिक काल के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध था। इस युद्ध में लाखों क्षत्रिय योद्धा मारे गए, जिसके परिणाम स्वरूप वैदिक संस्कृति तथा सभ्यता का ही पतन हो गया। इस युद्ध में संपूर्ण भारतवर्ष के राजाओं के अतिरिक्त बहुत से अन्य देशों के क्षत्रिय वीरों ने भी भाग लिया था और बहुत से योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, जब कर्ण को पता चला था कि वह कुंती का पुत्र, भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर कौरवों की सभा में गए, लेकिन दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण के शांति के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और युद्ध का रास्ता चुना। जब युद्ध होना निश्चित हो गया, तब कर्ण का क्वच और कुंडल इंद्र ने दान में ले लिया। जब भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से जाने लगे, तब वहां पर कर्ण भी मौजूद। कर्ण ने भगवान कृष्ण से क्षमा मांगी, क्योंकि दुर्योधन ने सभा में भगवान के साथ उचित व्यवहार नहीं किया। भगवान कहते हैं, कर्ण, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। जिसने गलती की है उसे ही क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि मैं तो मान अपमान से परे हूं। ऐसा कहकर भगवान कहते हैं, मैं अब यहां से जा रहा हूं, चलो थोड़ी दूर अगर साथ चल सकते हो तो। कर्ण कहते हैं, वासुदेव, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं आपके रथ का सारथी बनूंगा। तब भगवान ने कहा कि ठीक है कर्ण, सारथी बनो। और कृष्ण उस रथ पर बैठे। दूसरे रथ पर कृतवर्मा और साहित्यिक थे। कुछ दूर जाने पर भगवान कर्ण को कहा, रथ रोको कर्ण। कर्ण ने रथ रोक लिया। भगवान ने साहित्य और कृतवर्मा को वहीं रुकने के लिए। अब कर्ण और कृष्ण अकेले थे। कर्ण कृष्ण से यहाँ पर एक बात पूछता है कि वासुदेव, एक बात बताओ, मेरा और अर्जुन का जितनी बार भी सामना हुआ, उसमें मैं जीता क्यों नहीं पाया? अर्जुन मुझसे हर बार भारी क्यों पड़ा? कृष्ण कहते हैं, क्योंकि वो हर बार धर्म के पक्ष में युद्ध करता, तुम हर बार अधर्म का साथ देते हो, जिस कारण से तुम हार जाते हो। अब कृष्ण ने कर्ण से कहा, कर्ण, तुम जानते हो कि तुम कौन हो, किसके पुत्र हो? कर्ण कहते हैं, वासुदेव, मुझे सूत पुत्र के नाम से जाना जाता है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मैं सूत पुत्र नहीं हूँ। मुझे किसी क्षत्राणी ने जन्म दिया है, किसी मजबूरी के कारण उन्होंने मेरा त्याग कर दिया होगा। भगवान कहते हैं, हाँ कर्ण, तुम पांच वीर महारथियों के भाई हो, जिन्हें आज तक युद्ध में कोई नहीं हरा पाया। तब कर्ण को समझते कुछ देरी नहीं लगी कि ये पांच वीर महारथी तो पांडव हैं। ये सुनकर कर्ण चौंक गए। कर्ण कहते हैं, वासुदेव, अब युद्ध होने वाला है, अब आप मुझे ये बता रहे हैं, क्योंकि मैं पहले ही टूट चुका हूँ, मेरे क्वच और कुंडल इंद्रदेव ने ले लिए हैं। अब आपने ये बताया कि मैं पांडवों का भाई हूँ, अब मैं किस प्रकार उन पर बाण चला पाऊंगा? कृष्ण कहते हैं, कर्ण, तुम जानते हो कि दुर्योधन अधर्म के रास्ते पर चल रहा है, तुम पांडवों के पास चलो, मैं खुद तुम्हें इंद्रप्रस्थ का राजा बना दूं, तुम्हारे पांचों भाई तुम्हारी सेवा करेंगे, क्योंकि तुम धर्म में युधिष्ठिर के सम्मान और वीरता में अर्जुन के सम्मान। कर्ण कहते हैं, नहीं वासुदेव, मैं दुर्योधन को युद्ध में उसकी ओर से युद्ध करने का वचन दे चुका। जिस समय मुझे सूत पुत्र कहा जा रहा था, तब दुर्योधन ने ही मुझे अंग देश का राजा बनाया, उसके उपकार का बदला मैं मरकर भी नहीं उतार सकता। कृष्ण कहते हैं, कर्ण, उस समय वो खुद पांडवों से हार रहा था, तब उसे कोई चारा नहीं दिखाई दिया, इसलिए दुर्योधन ने तुम्हें अंग देश का राजा दिया। कर्ण बोले, कृष्ण, चाहे कुछ भी हो, अब मैं दुर्योधन को वचन दे चुका हूँ, चाहे सूर्य अपने प्रकाश से अलग हो जाए, लेकिन मैं तुम्हारी ओर से युद्ध करूँ, तुम्हारी मृत्यु से पहले मेरी मृत्यु। फिर कर्ण पूछते हैं, मेरी माँ कुंती है, उन्होंने मेरा त्याग क्यों किया? कृष्ण कहते हैं, कर्ण, तुम्हारे पिता सूर्यदेव हैं और माता कुंती हैं। ऋषि दुर्वासा के फलस्वरूप तुम्हारा जन्म तुम्हारी विवाह से पहले हो गया।
लोक लाज के लिए उन्होंने तुम्हारा त्याग कर दिया। ये सब सुनकर कर्ण पूरी तरह से टूट गया। कर्ण सोचता है जो आज तक खुद को सूत पुत्र समझता रहा था वह कुंती का पुत्र है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन प्रतिज्ञाबद्ध और वचनबद्ध होने के कारण कर्ण ने पांडवों की ओर से युद्ध करने से मना कर दिया। साथ में वासुदेव से वचन भी लिया कि वो किसी को भी ये ना बताए कि मैं कुंती पुत्र और पांडवों का भाई हूँ, क्योंकि अगर पांडवों को पता चला तो वे मुझसे कभी भी युद्ध नहीं कर पाएंगे। यहाँ से जाने के बाद कर्ण सीधा दुर्योधन के पास गया। कर्ण दुर्योधन से कहता है, हे मित्र, तुम किस तरह से चिंता ना करो, जब तक तुम्हारा मित्र कर्ण तब तक तुम्हें युद्ध में कोई नहीं हरा सकता। व्यक्ति से उसकी परछाई अलग हो सकती है, लेकिन दुर्योधन से कर्ण कभी नहीं, ऐसा विश्वास दिलाकर कर्ण वहां से चला गया। रात्रि हुई, लेकिन कर्ण को वह सारी बातें याद आने लगी कि किस तरह से कर्ण को रणभूमि में सूत पुत्र कहकर अपमानित किया। जैसे तैसे सुबह, एक रोज कुंती भी कर्ण से मिलने आए। कर्ण पूछते हैं, राजमाता, आप यहाँ पर मुझसे मिलने क्यों आए? मैं तो सूत पुत्र, कोई देख लेगा तो क्या होगा? एक महल की राजमाता एक सूत पुत्र से बात कर रही है। तब कुंती कहती है कि तुम सूत पुत्र नहीं हो, तुम मेरे पुत्र। कर्ण कहते हैं, मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारा पुत्र हूं। वासुदेव कृष्ण ने मुझे सब बता दिया है, लेकिन मेरे साथ जो अन्याय हुआ है उसका कारण तो या आप है या सूर्यदेव। मेरी क्या गलती थी उसमें? बोलिए माता, बोलिए। आज कुंती सिर्फ रो रही है, अपने पुत्र कर्ण को छाती से भी नहीं लगा पा रही। कुंती कहती है, पुत्र कर्ण, कुछ ऐसी मजबूरी थी कि मुझे तुमको गंगा में बहाना पड़ा। अब मेरी दशा तो देखिए, एक और पांच पांडव तुम्हारे भाई खड़े हैं और दूसरी ओर तुम, दोनों ओर मेरे ही तो पुत्र हैं। एक माँ का दर्द तुम नहीं समझ पाओ। कर्ण, मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। कर्ण कहते हैं, मेरे पास अब देने के लिए कुछ भी नहीं, इंद्र ने मेरे क्वच और कुंडल ले लिए हैं, वासुदेव कृष्ण ने मुझे सत्य बता दिया है, अब मैं युद्ध में लड़ूं भी तो किस तरह से? कुंती कहती है, तुम मेरे पुत्रों का वध मत कर। कर्ण कहते हैं, माता, मैं युद्ध में दुर्योधन का साथ दे रहा हूं, लेकिन मैंने अर्जुन को मारने की शपथ खाई है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं अब क्या करूं, फिर भी मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे युद्ध में पांच पुत्र जीवित रहे, या तो अर्जुन वीरगति को प्राप्त होगा या मैं, क्योंकि अर्जुन के अलावा मैं तुम्हारे किसी पुत्र को नहीं मारूंगा। माता कुंती ये सब सुनकर रो पड़ी और वहां से चली गई। आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें, और दोस्तों हमें कमेंट में बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले देखने को मिल सके। धन्यवाद।